खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर एक बार फिर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कुछ लोगों का दिमाग कीड़े मकोड़े के तरह है। उनकी लायकियत क्या है, उनके जीभ पर कुछ और, दिमाग पर कुछ और पेट में कुछ और है। दरअसल संजय ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को महाराष्ट्र का सुपुत्र बताया था। इस पर बीजेपी की महाराष्ट्र महिला मोर्चा अध्यक्ष चित्रा वाघ ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए याद दिलाया था कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। इस पर संजय राउत भड़क गए। संजय राउत ने सवाल पूछा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महाराष्ट्र के सुपुत्र नहीं है क्या, उनका जन्म भारत में ही हुआ था ना। इसके आगे संजय राउत ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। असा काही कायदा नियम आला असेल का, तो आणीबाणी मागच्या ना पुढच्या दारांना कोणी आणली आहे का, की महाराष्ट्र प्रेमीना। मी विरोधी पक्ष म्हणत नाही, काल उद्योजीनोचा शब्द वापरला तोच मी वापरतो। हा मोर्चा महाराष्ट्र प्रेमींचा आहे, राज्यातील विरोधी पक्षाचा मोर्चा असं मी म्हणाला आम्ही तयार नाही। ज्या प्रकारे महाराष्ट्राच्या त्यांचा सुरू आहे, शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, फुले, ज्योतिबा, सावित्रीबाई यांचा जो अपमान सुरू आहे, दुसऱ्या बाजूला तिकडे अजूनही कर्नाटकचे बोंबई सीमा प्रश्नाबाबत फुरफुरत आहेत, असे अनेक विषय महाराष्ट्राचे उद्योग हे बाहेर खेचून पळवले जात आहेत। हा महाराष्ट्रावरती खूप मोठा अन्याय होतो, अत्याचार होतो, आणि सरकार गप्प बसतं। त्याच्यामुळे समस्त महाराष्ट्र प्रेमींना आवाहन केलं की मोर्चाला या महाराष्ट्रासाठी। जर हे महाराष्ट्राचं सरकार महाराष्ट्र प्रेमींच्या सरकारला परवानगी नाकारते असं आपण म्हणत असाल, तर मग या राज्यावरती महाराष्ट्रद्रोही सरकार बसेल।